इंडिया स्ट्रेंथ प्रेजेंटिंग इंटरस्टेलर। इस मूवी के मेन कैरेक्टर जो है इनका नाम है कूपर, जो नासा का एक साइंटिस्ट थे, लेकिन वो अब उम्र कम होने के बावजूद भी रिटायर हो गए हैं, क्योंकि अब दुनिया को पायलट के बदले किसान की ज़्यादा ज़रूरत है। इस मूवी में फ्यूचर का पृथ्वी दिखाया गया है। इस दुनिया में पॉल्यूशन की वजह से खेती होना बिल्कुल ही बंद हो गई है, बहुत ही कम मात्रा में फसल उत्पादन होता है। दुनिया में 7 साल पहले गेहूं का उगना बंद हो गया है और 1 साल पहले ओकरा और रागी का उगना भी बंद हो गया है, लेकिन कूपर बहुत मेहनत से अपने घर के सामने जो जगह है वहाँ पर गेहूं की खेती करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से छोटी बेटी मर्फ है, जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और साइंस में बहुत ही अच्छी रुचि रखती है, और बड़ा बेटा का नाम है टॉम, जो पढ़ाई में बिल्कुल भी एवरेज है, सामान्य है। एक दिन मर्फ अपने पिता को उसके कमरे पे बुलाती है और कंप्लेन करती है कि उसके बुक सेल्फ से अपने आप ही किताबें गिर जाती है और वो एक भूत करता है और वो भूत उनके पिता जैसे ही लगते हैं। कूपर अपनी बेटी को बोलती है कि ये सारी बातें बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। फिर मर्फ जवाब में बोलती है कि आपने मुझे सिखाया था कि साइंस का मतलब किसी भी चीज़ को नकारना नहीं, उसकी सच्चाई के तह तक जाना होता है। फिर कूपर ने मर्फ को बोला कि अगर तुम घोस्ट और साइंस के बीच में कोई कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो तुम्हारे कमरे में जो भी हो रहा है उसे नोट करो और उसके तह तक जाने की कोशिश करो। फिर मर्फ ने उसके पिता के कहे अनुसार वही चीज़ करती है, वो उसके कमरे में हर घटी घटना को नोट करना शुरू करती है। फिर मूवी में यही दिखाया जाता है कि कूपर अपने 2 बच्चों को लेकर मैच देखने जाता है, एक बेसबॉल मैच देखने जाते हैं। फिर जब मैच चल ही रहा होता है तो अचानक से धूल का तूफान शुरू हो जाता है। उस वक्त पृथ्वी में ये बहुत आम बात है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से धूल की तूफान आना बहुत ही ज़्यादा आम बात है। और नेचुरली तूफान शुरू होने की वजह से मैच बंद हो जाता है और वो अपने फैमिली को लेकर मुंह में एक अजीब ढंग के एक मास्क पहनकर कार पे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में बहुत सारी धूल होने की वजह से कूपर को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है और इसी वजह से वो एक कार को टक्कर मार देता है। लेकिन लकीली किसी को भी कोई गहरा चोट नहीं लगता है, बस छोटी मोटी खरोचे ही आती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो घर पर पहुँच जाते हैं, और जब वो घर पे पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उनके घर के अंदर धूल भरा हुआ है। और वो जब मर्फ के कमरे पे जाते हैं तब वो देखते हैं उस धूल भरे कमरे में बहुत सारी लंबी लंबी लाइंस खींची हुई है। फिर मर्फ ने अपने पिता कूपर को कहा कि देखा ना, ये एक भूत ने किया है और वो भूत आपका जैसा ही दिखता है। फिर कूपर मर्फ को दूसरे कमरे पे जाकर सोने के लिए कहते हैं और वो सारा रात उस मोटी लाइंस की अध्ययन के लिए वहाँ पर ही बैठा रहता है। फिर जब सुबह होती है और मर्फ अपने कमरे पे आती है तो वो देखती है कि उसका पिता वहाँ पर ही बैठा हुआ है। इसका मतलब कूपर सारी रात नहीं सोए, वो वहाँ पर ही उस चीज़ का अध्ययन कर रहे होते हैं। फिर कूपर अपनी बेटी को कहती है कि वो लाइंस असल में बाइनरी नंबर्स का एक मैसेज है। बाइनरी नंबर्स असल में एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो 0 और 1 से डिनोट किया जाता है। जैसे कि हम लोग मैसेज भेजने के लिए आम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से भी हम कुछ खास भाषा को समझ सकते हैं, यानी कि कुछ किसी खास मैसेज को हम इससे समझ सकते हैं, अगर वो उस लैंग्वेज का ज्ञान हमारे पास है। फिर कूपर अपनी बेटी मर्फ को कहती है कि वो मोटी लाइन, वो धूल भरी मोटी लाइन 1 को दर्शाती है और पतली लाइन्स 0 को। और फिर मूवी में दिखाया जाता है कि कूपर उस लाइंस के ठीक सेंटर पे एक सिक्का उछालते हैं और कहते हैं कि ये लाइंस असल में एक लोकेशन की दर्शाती है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि कूपर अपनी बेटी मर्फ को लेकर उस लोकेशन पे जाती है, वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, इसीलिए वो जब वहाँ पर गए तब उसके गार्ड ने उन दोनों को पकड़ लिया और कूपर को मर्फ से अलग कर दिया गया। और उसके बाद कूपर को बेहोश कर दिया जाता है। जब कूपर को होश आता है तब वो देखता है कि उसके सामने एक अजीब तरीके का एक रोबोट खड़ा हुआ है। और इसके बाद उसके सामने एक लड़की आती है जिसकी नाम है एमिली। वो लड़की उसे एक कमरे पे ले जाती है, वहाँ पर वो अपने बेटी को देखती है और वहाँ पर उसे पूछा जाता है कि उसे इस जगह का पता कैसे चला, कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पर कूपर प्रोफेसर बेन को देखते हैं। कूपर प्रोफेसर बेन को तब जानते थे जब वो नासा के एक पायलट थे, जब वो नासा पे काम करते थे।
वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उनमें से एक आदमी कहा कि तुम लोगों को इस जगह का पता कैसे चला। फिर उसकी बेटी ने जवाब दिया कि ग्रेविटी। असल में वो लाइंस किसी अननोन ग्रेविटेशनल फोर्स से बनी हुई थी फर्श में, इसीलिए उसकी बेटी ने उसके जवाब में ग्रेविटी कहा। कूपर को इस पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो थोड़ा डरा भी हुआ था, इसीलिए कूपर ने प्रोफेसर बेन से कहा कि उसे और उसकी बेटी को वो लोग सही सलामत से घर जाने दें। और यह सुनकर प्रोफेसर बेन हंसे और कूपर से कहा कि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता नहीं है। और फिर प्रोफेसर बेन ने कहा कि तुम नासा ऑर्गेनाइजेशन पे हो। और यह सुनकर कूपर चौंक गया कि कहा कि नासा ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया के सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन 7 साल पहले ही बंद हो गए हैं। और फिर प्रोफेसर बेन ने कहा कि ये सिर्फ दुनिया की नज़रों पे ही बंद हो गए और वो नहीं चाहते कि दुनिया वाले जाने कि ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अब भी है, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं और दुनिया वाले ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। जहाँ पर खाने की कमी और वहाँ पर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। और ये सुनकर कूपर ने कहा कि हमें पृथ्वी का पॉल्यूशन कुछ तो करना ही होगा। और इसके जवाब में प्रोफेसर बेन ने कहा कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अर्थ का ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। पहले अर्थ के ऑक्सीजन की मात्रा था 20% के आसपास, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 10% पे रह गया है। और इसके बाद प्रोफेसर बेन ने कहा कि अब हमें पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा। और उन्होंने दो प्लान भी किए हैं इसके। उन्होंने कहा कि आज से 48 ईयर्स एगो सैटर्न के पास एक वर्म होल अपने आप ही बन गया। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि वर्म होल क्या है। एक पहाड़ कल्पना कर लीजिए, इस पहाड़ के उस पार जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, किसी भी पहाड़ के दूसरे पार जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उसके पहाड़ के अंदर एक टनल बना ले तो बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और हम आसानी से जा सकते हैं। और वर्म होल ऐसा होता है कि हम एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी से आसानी से जा सकते हैं और ये एक शॉर्टकट का काम करता है। ये थ्योरी मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का है और ये भी माना जाता है कि वर्म होल की मदद से हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो अब कहानी पे आते हैं। तो पहले प्लान में प्रोफेसर बेन बताते हैं कि उस वर्म होल की मदद से वो एक दूसरे गैलेक्सी में पहुँचेंगे और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जहाँ पर कुल मिलाकर 13 प्लैनेट्स उसका चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि हमारा अर्थ सन के चक्कर लगाता है और दूसरे ग्रह भी चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इंसानों के रहने के लिए उन्होंने पहले भी 13 एस्ट्रोनॉट उस वर्मोल के मदद से उस प्लैनेट में भेजे हैं, जिनमें से 3 लोगों का जवाब आ गया है, लेकिन बाकी 10 लोगों का कोई भी पता नहीं है। इसीलिए प्रोफेसर बेन एक परफेक्ट टीम चाहते हैं कि जो उस 3 प्लैनेट पे जाकर उस प्लैनेट की चेकिंग करे और सिग्नल का तह तक जाए। और सेकंड प्लान में प्रोफेसर बेन ये बताते हैं कि हमारे गैलेक्सी में एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें इंसान रह सकते हैं, लेकिन वो प्लैनेट हमसे कई सौ लाइट ईयर्स दूर है, इसलिए इंसान को इस टेक्नोलॉजी में वहाँ पर जाने में कम से कम 200 से 300 साल वक्त लगेगा। इसीलिए वो इस मिशन में मदरशिप में इंसानों के साथ 5000 इंसानी भ्रूण भी भेजना चाहते हैं, लेकिन ये प्लान बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि वो नहीं जानते कि वो प्लैनेट सच में इंसानों के लिए सही तरीके से हैबिटेबल है या नहीं, वो कंफर्म नहीं है। कूपर एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पायलट होने की वजह से प्रोफेसर बेन उन्हें इस पहले मिशन में भेजना चाहते हैं और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कूपर मान भी जाता है। और जब ये बात कूपर अपने बेटी को बताते हैं तब मर्प बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है। फिर कूपर उसे समझाते हैं कि उसे इस मिशन पे जाना ही होगा क्योंकि ये मानव जाति का सवाल है। और फिर जवाब में मर्प कहती है कि उसके कमरे में घटी सब घटना को वो डिकोड कर लिया है और उसे एक मैसेज भी मिला है, उस मैसेज पर लिखा है स्टे, यानी कि मत जाओ। फिर भी कूपर मर्प को किसी तरीके से समझा लेती है और वो मान भी जाती है। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि ये मूवी के एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। मैं इसे 2 पार्ट में अपलोड करूँगा, पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबा जरूर।